साहब, ये उरूज अहमद की डीएनए रिपोर्ट है, इसके मुताबिक उरूज अहमद ही वकार अहमद और मैरिन बेगम की बेटी। लिहाजा अब शक की कोई गुंजाइश नहीं, और उसके साथ साथ मैरिन बेगम की मेडिकल रिपोर्ट भी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, लिहाजा उनकी गवाही को झुटलाया नहीं जा सकता जो अदालत के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो फाइल है उसमें जायदाद की मुंतकली के कागजात की नकल मौजूद है। जैसे साफ जाहिर होता है कि वकार अहमद ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी उरूज अहमद के नाम 22 साल पहले की थी। अब मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस का फैसला मेरी मौकला उरूज अहमद के हक में सुनाया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप भी तशरीफ रखिए प्लीज। वकील सफाई और प्रोसिक्यूशन के तमाम दलाइल सुनने के बाद तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम वकार अहमद की बेटी दरअसल उरूज अहमद ही है। और वही असल में इस जायदाद की और तमाम बिजनेस की हकदार भी है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न।
नसीबा, नसीमा। अरे आप गए नहीं अभी तक? अरे अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, उरुज का फोन आया था। उरुज का फोन आया था? सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो, फैसला हमारी उरुज के हक में हुआ है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा, मैंने कहता था अंधेरा जितना भी बढ़ जाए रोशनी की एक किरण उसे खत्म कर देती है, और रोशनी की ये किरण है हमारी उरुज। हाँ बिल्कुल ठीक कहते थे आप, बहुत दुख उठाए हमारी उरुज ने। अरे दुख उठाने पड़ जाते हैं, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है, और जब ये आजमाइश खत्म होती है तो इज्जत मजलूम के हिस्से में आती है और जालिम रुसवा हो जाता है। कुर्बानी ना सिर्फ फलती फूलती है बल्कि उसका फल भी बहुत मीठा होता है। मास्टर साहब बहुत सबर किया है हमारी उरुज ने। और अल्लाह तो है ही सबर करने वालों के साथ, जब वो साथ है तो फिर किसी की क्या जरूरत। खुदा करे कि हमारी उरुज के घर में खुशियां घर कर जाए, और अल्लाह पाक सलमान को उरुज के हक में बेहतर बना दे। आमीन। अरे ये लो मिठाई खाओ हमारी बेटी की कामयाबी की खुशी में। पहले मैं शुक्राने के नफिल अदा करूंगी, उसके बाद मुंह मीठा करूंगी। ये तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं भी शुक्राने के नफिल अदा करूंगा, वजू करके आता हूँ।